सो है गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों? क्या आप भी एक पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, मतलब आप भी कंफ्यूज हो क्या एएमडी और इंटेल के बीच में, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आज के दिन में 2020 में कौन सा सीपीयू जो है बेस्ट है, सिंगल कोर डबल कोर या फिर सिंगल कोर मल्टी कोर में एएमडी या फिर इंटेल इन 2020 कौन सा बेस्ट है। दोस्तों आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लाने वाले हैं जो कि सुन के आप हिल जाओगे, पैरों तले जमीन खसक जाएगा और आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा कि आपको अगर अभी या फिर फ्यूचर में जाना है तो कौन से सीपीयू की तरफ जाना है, आपको कौन सा बिल्ड तैयार करना है, एएमडी का या फिर इंटेल का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं एएमडी वर्सेस इंटेल के बारे में। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, ट्रेंडिंग में कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर साथ 100% एक्यूरेट के साथ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो यहाँ पे बात किया जाते हैं दोस्तों सीपीयूज के बारे में। दोस्तों जहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, तो दोस्तों हमेशा हम लोगों का चाहत रहता है कि सबसे बढ़िया पीसी जो है हमारा बने। तो वहीं पे आज के दिन में जो है कंफ्यूजन आता है कि सीपीयू में हम लोग किसके तरफ जाए, इंटेल या फिर एएमडी। पहले के ज़माने में, मतलब आज से एक दो साल पहले के ज़माने, मतलब सदियों पहले नहीं जाने की बात कर रहे हैं, आज से एक दो साल पहले कौन से, जब एएमडी की बात सुनते हैं हम लोग ऐसे पीछे भागते थे, मतलब भूत देख लिया हो, और उसमें इतना सुनते थे कि हीट होता है, काम नहीं करता है, लैग मारता है। लेकिन दोस्तों आज का दिन जो है बदल चुका है, बदल रहा है कंटिन्यूअसली। 2019 में एएमडी जो है इंटेल को पछाड़ रहा था, लेकिन 2020 में फिर से कहानी बदल गया। कहानी क्या बदल गया और मैं क्यों पछता रहा हूँ, ठीक है, बड़ा पछताओगे गाना तो सुनोगे तो बड़ा पछता रहे हैं हम, क्योंकि कुछ कहानी बदल गया दोस्तों। यहाँ पे आज के दिन में बात किया जाए, सिर्फ आपको एक बेसिक चीज़ के बारे में बात किया जाए करेंगे तो आपको पूरा फंडा समझ आ जाएगा। जहाँ पे सिर्फ एक AMD का बेसिक सीपीयू जो AMD Ryzen 5 3600 जो कि सिर्फ 16,000 का आता है, ठीक है, 15,500 रुपये शायद, हाँ, वो आज के दिन में इंटेल का, ठीक है, इंटेल का i7th 9th जनरेशन के सीपीयू के बराबर है। दोस्तों ये नंबर सुन के आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें AMD Ryzen 5 3600 जो है एक 16,000 का सीपीयू है, वहीं पे इंटेल i7th 9th जनरेशन जो है 30,000 का सीपीयू है। दोस्तों सोच सकते हो 16,000 का सीपीयू 30,000 के सीपीयू के तरह परफॉर्मेंस दे रहा है, लगभग सेम परफॉर्मेंस दे रहा है सिर्फ आधी कीमत में। तो दोस्तों सोच सकते तो इंटेल आज तक हम लोगों को लूट रहा था, और यही सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि इंटेल लूट रहा था। और दोस्तों हम भी जब पीसी बनाए अपना, हम भी भावनाओं में बह गए, सब बोला इंटेल, हम भी उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, हाँ इंटेल तो इंटेल, बहुत दिन से इंटेल चल रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम ले लिए। और ले लेने के बाद हमको पता चला दुनिया ने हमारा ले लिया, इंटेल ने हमारा ले लिया, क्योंकि AMD आज के दिन में मस्त चलता है और मस्त परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक और AMD का कारनामा बताते हैं। AMD का जो है थर्ड जनरेशन का 3900 जो CPU आता है उसको सुन के आप हैरान हो जाओगे, 32 कोर 64 थ्रेड का प्रोसेसर है वो, और वो इंटेल के हाई एंड सीपीयू को पछाड़ रहा था। इंटेल का हाई एंड जो सर्वर लेवल का सीपीयू था उसको पछाड़ रहा था। बिल्कुल सही सुने, इंटेल का हाई एंड जो सर्वर लेवल का सीपीयू था वो इंटेल AMD का डेस्कटॉप लेवल का सीपीयू को पछाड़ रहा था, ठीक है। और उसके बाद इंटेल ने लॉन्च कर दिया इंटेल 3950 था, और ये है इंटेल 3990 जो अचानक लॉन्च कर दिया AMD ने। और मतलब ये ऐसा बात आ गया कि AMD जो है इंटेल को पैरों तले, मतलब अपने ओपोनेंट को एकदम पैरों तले कुचल देना कहते हैं इसको, एकदम कुचल देना, मतलब पहले तो बराबरी नहीं कर पा रहा था, अभी जो लॉन्च कर दिया, ठीक है, वो है इंटेल 3990 जो कि एक 64 कोर 128 थ्रेड का प्रोसेसर है। दोस्तों जिसको ये कोर और थ्रेड के बारे में पता नहीं है उसको थोड़ा सा बता देते हैं कंपैरिजन से, तो उनको समझ आ जाएगा। दोस्तों मेरे पास जो सीपीयू है वो है इंटेल, पछता रहे हैं, ठीक है, तो वो है इंटेल i5 9th जनरेशन कॉफिन लेक टेक्नोलॉजी, ठीक है, i9 9900K, ठीक है, जो कि हम हाई एंड कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो दोस्त का सर्कल है, हमारा जो सर्कल है उसमें सबसे ज़्यादा जो है अच्छा प्रोसेसर, ठीक है, दो तीन को छोड़ दें, नाइन्थ वाले को छोड़ दें, तो i9 वाले को छोड़ दें, तो ये हमारा एक हाई एंड मतलब
पीसी बिल्ड में ये माना जाता है, ठीक है। और ये हाई एंड सीपीयू है और ये सिर्फ 6 कोर और 12 थ्रेड का है। 6 कोर और 12 थ्रेड, इसको हम थोड़ा बहुत हाई एंड कहते हैं, हमारे हिसाब से हाई एंड ही है। तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कंपेयर नहीं कर रहे, बता रहे हैं आपको जैसे समझ आए। AMD 3990 जो है 64 कोर 128 थ्रेड का प्रोसेसर है, ठीक है। तो सोच सकते हो AMD अभी कितना तेजी से बढ़ रहा है। और भी थोड़ा सा एग्जांपल आपको देते हैं, आपको पहले आज से एक साल पहले मतलब 2019 में अगर आपको सिंगल कोर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए था, ठीक है, और सिंगल कोर अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों को किस लिए चाहिए होता है, वो गेमिंग अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इंटेल की तरफ जाते हैं, जाते थे। ऑब्वियसली हम भी सही हैं क्योंकि 2019 में ऐसा नहीं आया था, इंटेल का AMD का सेकेंड जन नहीं चल रहा था, अभी तो थर्ड जन आ रहा है, ठीक है। तो 2019 में, ठीक है, और इंटेल जो है सिंगल कोर में बहुत आगे था, AMD से थोड़ा बहुत आगे था, मल्टी कोर में भले पीछे था, ठीक है, AMD से मल्टी कोर में भले पीछे था, सिर्फ AMD एक ही चीज़ से पीछे था, वो था मल्टी कोर। इंटेल सिंगल कोर में आगे था और 2020 में मल्टी कोर में तो AMD आगे रहा ही और सिंगल कोर में भी इंटेल को पछाड़ दिया गया। तो इस हालत अभी चल रहा है, इंटेल बहुत पीछे है AMD अभी। अगर आप बिल्ड बनाना चाहते हो या फिर आप कंफ्यूज थे किसके ऊपर, तो इंटेल वर्सेस AMD के मामले में AMD ही जीतेगा और हर मामले में जीतेगा, कोई मामले में वो किसी से पीछे नहीं है। पीसी से मतलब एक ही तो इंटेल, तो वो पीछे नहीं है, लेकिन ऐसा मत समझना कि इंटेल पीछे रह गया। इंटेल बहुत दिनों से राज कर रहा है, उसके पास अंधा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, ठीक है उसके पास, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अभी आपको बता दें, इंटेल 7 नैनोमीटर में आया नहीं है अभी तक, ठीक है, वो अभी भी 9th पे है, ठीक है, और AMD ये सब जो प्रोसेसर ये सब 7 नैनोमीटर में आ गया है, ठीक है। तो जब इंटेल 7 नैनोमीटर में आएगा, उसका पैसा जब उसमें मिलेगा, तो भी बहुत बड़ा तहलका मच सकता है, लेकिन तब तक में AMD भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। तो तब तक का बात, तब तक में देखा जाएगा कि जब आएगा तब देखा जाएगा कि कौन किसको पछाड़ता है, लेकिन करंट सिचुएशन में AMD वर्सेस इंटेल में AMD गारंटी जीतता है और हर मामले में जीतता है। तो और पैसे के अगर कम बजट में चाहिए, बढ़िया चाहिए, कम बजट में उसके हाई बजट का भी से बड़ा सोच सकते हो, तो AMD बेस्ट है हर मामले में। पैसा ज़्यादा दो कम दो, उस इंटेल से अच्छा ही मिलेगा आपको उस कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली गाइस आपके लिए AMD बेहतर रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, कुछ आइडिया हो तो वो भी बताइए और कुछ सजेशन हो तो बताइए, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। कुछ डाउट बच के रह गया हो तो वो भी बताएंगे, कवर जरूर करेंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। और गाइस इस चैनल के बारे में थोड़ा बताते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ क्लॉथ चैनल जिसमें ट्रेंडिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात किया जाती है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।